गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मनाली। सनराइज हो रहा है और मैं सनराइज कहाँ कर रहा हूँ? हाँ जी, अटल टनल। अटल टनल में हो रहा है अपना सनराइज। और तो कितनी खूबसूरत लग रही है सुबह सुबह, क्योंकि सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है। पीछे के और ग्लेशियर ग्लेशियर देखो। देखो क्या चमकदार ग्लेशियर है, और चारों तरफ ही है, मतलब एक साइड नहीं है। ये वाले देखो क्या चमक रहे हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमारी टियागो भी हमारे साथ आ रही है, तो बहुत खुशी इस बात की। हम आज दोबारा आए हैं क्योंकि कल टैक्सी में मज़ा है नहीं आया था। आया था मज़ा, वो अपना मज़ा था, ये अपना मज़ा है। आज हम बस ड्राइव करेंगे अच्छे से। आज हम जाएंगे कॉक्सर साइड, तो कल सिसु गए थे, आज कॉक्सर कवर करेंगे। और अपनी गाड़ी भी हम 10,000 फीट पे लेके आए हैं, उसका भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। और सनराइज़ हो रहा है, देखो कितना प्यारा, इधर दिखाओ कितना प्यारा सनराइज़ है। सो गाइस, जब हम एंटर कर रहे हैं अटल टनल में, हमारी टियागो एंटर कर रही है। और ये है 40 की साउथ स्पीड है आज। पोर्टल। अभी ये क्या है, साउथ पोर्टल। ये साउथ पोर्टल है। एग्जैक्टली एंटर कर रहे हैं तो साउथ पोर्टल है। और 40 की स्पीड रखी है, तो सामने वाली गाड़ी की स्पीड से चलेंगे हम। 30 पे चल रही है फिलहाल। और क्या मस्त नज़ारा है यहाँ, अपना ओवरटेक नहीं करो। गाइस अभी हम आ गए हैं एग्जिट पे, नॉर्थ पोर्टल। और आज बर्फ बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि आज देखो बिल्कुल खाली है। और अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हम क्रॉस कर चुके हैं अटल टनल, तो मजा ही आ रहा है अलग। अब देखो यहाँ से राइट है कोक्सर और लेफ्ट है सिसु, तो बरले का रास्ता भी लेफ्ट जाता है। बट हम जाएंगे आज काजा की साइड, सुंदो रोहतांगला 27 किलोमीटर है, बट रोहतांगला आज जाने नहीं देंगे, तो हम देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। गाइस अभी हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और देखो वो अटल टनल है सामने। देखो कितना प्यारा सनराइज हो रहा है, ठीक है, सन की किरणें, सूरज की किरणें पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अटल टनल पे सनराइज देख रहे हैं हम। और ये देखो नीचे, देखो ब्लैक आइज है, तो हमने गाड़ी यहाँ लगाई है, बट बस आराम से निकालेंगे हम और ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर पार्क कर रहा है कोई तो ध्यान से करना है, और थार तो अपनी निकल जाती है। ये वाली निकालेंगे, हील्स ऑन व्हील्स। देखो आ गई है अपनी टियागो, 10,000 फीट की हाइट। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं कोक्सर की तरफ, और ये मेरा लाइफ मोमेंट है। मतलब सामने सनराइज हो रहा है और हम देखो बर्फ में है बेसिकली। हम कल यहाँ तक आए थे, यहाँ हमने मैगी चाय खाई थी, आपको दिखाया था, और यहाँ हमने फोटोज ली थी। बट ये जो आगे जा रहे हैं ना, ये लाइफ मोमेंट है। ये वैली जो है ना, कोक्सर वैली, अब आगे से स्टार्ट होगी। और ये मतलब कह सकते हैं किस्मत वालों को ही मिलता है आना। और काफ़ी गाड़ियाँ हैं आपको लगेगा, लेकिन सब किस्मत वाली है। बहुत लोग हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। सामने अब देखो सनराइज, हल्के से बादल हैं कॉर्नर पे, बट जब तक बादल बनेंगे और मौसम बनेगा हम निकल चुके होंगे। तो गाइस अब आ गया कोक्सर DET और गाड़ी चल चुकी है 41.6 किलोमीटर। तो गाइज हम हैं अभी कोक्सर पे, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, आगे जाम भी है, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी। और 10,300 फीट पे हमारी टियागो आ गई है। ये है ब्रिज तो, और ये चंद्रा रिवर। तो यही आगे चंद्रताल आगे आपको मिलेगा, लेकिन यही चंद्रा रिवर है, बहुत चिल्ड पानी है। और अभी आपको बर्फ में ले जाके दिखाते हैं, थोड़ा उधर जाते हैं बर्फ की साइड, और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसी बर्फ है। और यहाँ के आप लैंडस्केप्स देखो, ये देखो ये लैंडस्केप ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब हम बिल्कुल पेड़ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी, समझ रहे हो आप? तो बिल्कुल मतलब ऐसे पहाड़ है, बिल्कुल न्यूट पहाड़ है। तो आप समझो, ये देखो लैंडस्केप देखो, मतलब अलग ही दुनिया है। और ये 180 डिग्री अलग दुनिया है, और ये 180 डिग्री अलग दुनिया है। उधर से सनराइज हो रहा है, आज थोड़ा मौसम भी हो रहा है स्नोफॉल का, बट हम पहले ही निकल जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी 4x2 है,
अब आपको चलते हैं बर्फ में दिखाते हैं। देखो ये ऐसे बच्चे करते हैं, देखो ये 2 साल की बच्ची ये खिंडा रही है, ओ खिंडाओ मत। तो गाइस अब हम आ गए नदी के पास और एक आपको डिफरेंट चीज दिखाता हूँ। ये देखो रेता है, आपको लग रहा होगा पैर डालूंगा रेता हट जाएगी, भाई रेता जम चुकी है, रेता पत्थर हो चुकी है, देखो जम चुकी है, मतलब पत्थर ही रेता है तो पत्थर क्या है, रेता ही पत्थर है तो जो भी है। बर्फीला पानी हाथ डालने का मन नहीं कर रहा है, बट आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा हाथ डाल के। भाई -6 डिग्री का पानी है भाई, बहुत। गाइस दिस ये हमारा चैनल है, दिस इज आवर चैनल हील्स ऑन व्हील्स, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। गाइस देखो ये बर्फ की लेयर है, ये भी छोटी है 6 इंच की लगभग, बट अब इसको उठाने की कोशिश करते हैं हमारे हाथों से। अरे भाई अरे आई नहीं रही, इसको उठाने की कोशिश करते हैं, ये शायद हाथ में आ जाए हमारे, ये हाथ डाला। अरे भाई तो टूट जा रहा है, ये आ गया है हमारे पास। ये देखो गाइस यह बर्फ ट्रॉफी, हमारी ट्रॉफी देखो क्या बढ़िया मस्त धड़ नीचे से गंदी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पूरा पीस हम ले जा सकते हैं, ऐसे अवार्ड है हमारा। तो गाइस कोक्सर ऐसी जगह पे भी बुद्धिज्म है और अच्छी बात है ये, और आप देखो ये छोटा सा स्तूप बना हुआ है, मॉन्स्ट्री मतलब छोटा सा है, आगे एक सर्वधर्म स्थल है जहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी इंसान पूजा कर सकता है, अपनी अर्चना को या अरदास या अपना कुछ भी दुआ कर सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत एकता की बहुत अच्छी निशानी है और हमारे देश को अभी ज़रूरत भी है। और यहाँ पर मैप लगा हुआ है, ये देखो आप, ये डिटेल आपको सब गूगल पे मिल जाएगी, इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इधर पार्किंग वगैरह है और इधर अपना वापस जाने का है। ये देखो गाइस स्किड कर रही है गाड़ी, बैक नहीं हो पा रही है, देखो ये टायर घूमा, ये होता है यहाँ पे। ओ भाई टायर गया, अभी आगे जाके नीचे पीछे आएगी, अभी पीछे नहीं आएगी ऐसे। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत मज़ा किया हमने, 1 घंटा यहाँ काफ़ी है और आपको ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे भी बहुत है, उसके बाद निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सांस का दिक्कत हो सकता है किसी को भी, थोड़ा सर घूम सकता है, चाय वाय पी लेना जाते टाइम और अपना कुछ खा लेना ज़रूर, खाली पेट मत रहना। और अब निकलते हैं, आपको रास्ते के वापसी के नज़ारे दिखाते हैं, आगे चलते हैं, आओ। ये देखो गाइस, ये देखो कैसे वाटरफॉल जमे हुए हैं, क्या सुंदर नजारा है यार, ये चीज उत्तराखंड में तो मिलती है, बहुत रेयर मिलती है, लेकिन यहाँ तो भाई खुले हैं खुले, क्या वाटरफॉल जमे हुए हैं। देखो आप नीचे चंद्रा रिवर जा रही है, ये पूरा रिवर है भाई, ये देख के तो जीसा आ गया जीसा। सो गाइस अलग ही दुनिया में है हम अभी, देखो गोभी की खेती हो रही है, गोभी की इतनी बर्फ में गोभी, मतलब जैसे ही यहाँ स्नो होती होगी तो गोभी की कटिंग हो जाती है, मतलब कटाई हो जाती है बेसिकली फसल की। और आप देखो वाटरफॉल, ये देखो फ्रोजन वाटरफॉल है और इधर गोभी है, गोभी और इधर स्नो है और नीचे चंद्रा रिवर बह रही है और पीछे का लैंडस्केप देखो आप, वहां भी बर्फ जमने लगी है वाटरफॉल में। अब सो गाइस हम वापस पहुंच चुके हैं अटल टनल पे और इतना मजा आ रहा है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता शब्दों में आज, और
सबसे अच्छी बात है कि ट्रैफिक नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें लग रहा था थोड़ा मिलेगा, बट हम मॉर्निंग में इसलिए जल्दी आ गए थे। समय है 10:30 और अब यहाँ से मनाली हम पहुँच जाएंगे ऑलमोस्ट 12 बजे एज पर प्लान। तो सो गाइस, अपनी गाड़ी का अलग ही मज़ा है। आज हम अपनी गाड़ी से आए और हमें आज बहुत मज़े आए, कल भी मज़े आए थे, बट टैक्सी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं और आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है, आप देख सकते हो। तो 10:30 बजे इसलिए हम निकल रहे हैं यहाँ से कि अगर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई तो हमारी गाड़ी रुक सकती है और फंस सकती है, तो हम अब निकल रहे हैं। और एक चीज़ अच्छी है गाइज, आप देखो कि इस प्राइवेट गाड़ी का भी कोई चार्ज नहीं है, जैसे हमें टैक्सी वाले ने बोला था कि 300 रुपये चार्ज है। गाइज हम आ चुके हैं वापस से जहाँ पे सनराइज देखा था, अब देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। व्यू तो भाई तगड़े हैं भाई, मतलब कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास। फोटो खिंचा रहे हैं, थैंक्स एंड विजिट अगेन, दोबारा आएंगे हम, जरूर आएंगे।